नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना की दूसरी लहर कोहराम मचा रही है। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में खड़दह विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी काजल सिन्हा की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। आपको बता दें, 22 अप्रैल को संक्रमण के बाद उन्हें बेलियाघाटा आईडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद रविवार सुबह 9:45 पर उनका निधन हो गया। वो खड़दह नगर पालिका के पूर्व प्रशासक भी थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक जताया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बहुत ही दुखद खबर है, खड़दह से हमारी प्रत्याशी काजल सिन्हा का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया। उन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित किया। ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा कि काजल सिन्हा टीएमसी के लिए लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रतिबद्ध सदस्य थे। हम उन्हें याद करेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का कुल आंकड़ा 7,28,061 पर पहुंच गया है। वहीं इस वायरस से अब तक राज्य में 10,884 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो बंगाल में अब तक 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, जबकि 26 अप्रैल को राज्य में 7वें चरण का मतदान होना है। इस चरण में कुल 5 जिलों में 36 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 29 अप्रैल को 8वें चरण में 35 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 2 मई को मतगणना होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।